बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से पाक साथ के नाम से जो नहायत मेहरबान है फरमाने वाला है। तो जी कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आप सबको अपने जमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। मोहम्मद को यहाँ सुबह उठाया, स्कूल की तैयारी कर रहा था, फेस वगैरह वॉश कर रहा था, टीथ ब्रश कर रहा था, तो इसे फिर भाई छोड़ा है स्कूल, तैयार शेयर कर दिया था, इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया इसकी तैयारी का, क्योंकि कल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी। तो यहाँ फिर मैं आ गई सब्ज़ी लेने, सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो सामने हमारे एक आंटी रहती हैं, बहुत अच्छी सी नेबर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि तुम, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें लिखवाई कि ये ले आओ, मैं तुम्हें शामी कबाब बनाना सिखा देती हूँ, और एक दफ़ा वो बना देंगे मुझे, नेक्स्ट टाइम से मैं खुद बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ चिकन और मसाला वगैरह लेने आई थी। तो तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जो न्यू आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी शामी कबाब की, ये उन्होंने आंटी ने सारा अमेजा मसाला बनाया है, चने की दाल और चिकन की जो शामी कबाब होते हैं ना वो वाले बना रही थी। मेरी अम्मी भी बनाती होती थी, बहुत टेस्ट होता था उनके हाथ में, माँ के हाथों में वैसे ही बहुत टेस्ट होता है। तो ये इस तरह से उन्होंने प्रेशर कुकर में सारा कुछ बॉयल कर लिया, मैं आपको नेक्स्ट टाइम रेसिपी दूँगी चेक करके कि कैसे बने हैं। फिर इसे तो हम कुंडी कहते हैं जहाँ पे इसे पीसते हैं, क्योंकि मेरे पास मशीन तो है नहीं चिकन को या किसी भी मीट को गीमा बनाने के लिए। तो फिर जी बस यहाँ बन गई टिक्कियाँ, ये मैं खा रही थी, इतनी मज़े की बनी, फिर रायता भी साथ बना लिया था, इतने मज़े की बनी ना कि मैं बता नहीं सकती। अम्मी की याद आ गई ये खा के ना, इतनी अच्छी और टेस्टी बनाई थी उन्होंने, बच्चे भी बहुत शौक से खा रहे थे। तो जी ये ड्रेस मैं दिखाना चाह रही थी आपको, मेरी भाभी ने खुद स्टिच की है, तो ये देखिए कितनी अच्छे से उन्होंने डिज़ाइनिंग, ये सारी खुद की है, लेसिस से और कुछ कपड़ा उन्होंने यूज़ किया है, ये इस तरह से, ये नीचे भी, तो फुल फैंसी शर्ट बन गई। ये बिल्कुल सिंपल कपड़ा था जिसे इन्होंने फैंसी बनाया था। तो ये मैं आपको पूरा ड्रेस दिखाती हूँ, बाजुओं पे भी इस तरह से इन्होंने किया हुआ है, और इसके साथ गरारा है खुले वाला जो होता है, साथ में बैग है इसका, पर्स वो भी दिखाती हूँ, क्लच भाभी बैग करें से, तो बैग पे भाभी ने ये लगाए हैं बना के, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाजार वाले तो हम लगाते रहते, ये कुछ डिफरेंट हो गया, सबसे पहले ऑरेंज फिर येलो और फिर शॉकिंग पिंक, ये इस तरह से, ये पीछे से भी है, ये है जिसकी ओवरऑल कुर्ती। और अब आपको इसका गरारा दिखाती हूँ मैं, और जी ये है जी गरारा, एक होता है ना जो यहाँ से थोड़ा सा तंग होता है, लेकिन ये खुले वाला गरारा, लहंगा टाइप जो गरारा होता है ना वो है, ये इस तरह से बहुत ही अच्छी स्टिचिंग करती हैं। आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप भी अपनी पसंद का या कोई नेट पे देख के कोई डिज़ाइन बनवाना चाहें तो हूबहू वैसा बना देती है मेरी भाभी, तो वो ऑनलाइन काम भी स्टार्ट करने लगी हैं, तो इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ आपको। अब इसका क्लच भी दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा जी ये भाभी ने इसका क्लच बनाया है, हाथ में पकड़ने वाला, ये घर में ही बनाया उन्होंने, देखिए कितना खूबसूरत। अगर आप भी ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं इस तरह का ड्रेस बनवा के उसके साथ ही, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मैं भाभी से कॉन्टेक्ट करूँगी। तो ये आप देख लें, ये मेरी भाभी ऑनलाइन काम स्टार्ट करने लगी है, इसलिए आपको दिखा रही हूँ ये क्लच इस तरह से भाभी ने बनाया सारा। तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको भाभी का ऑनलाइन पेज बताऊंगी, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा बनवा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं।